हमने क्या बनना था आज? हाँ चलो जी, देखो हम पढ़ रहे हैं यूनिट टू, ठीक है। यूनिट टू में हम पढ़ रहे हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ठीक है, जिसमें टॉपिक है फोबिया, ओसीडी, जीएडी, पैनिक डिसऑर्डर एंड पीटीएसडी। अभी बताते हैं ये क्या होता है। चलो जी, एंजाइटी, एंजाइटी समझते हैं? एंजाइटी क्या होता है? एंजाइटी फियर ऑफ समथिंग, चिंता, घबराहट, ठीक है जी। और उससे जुड़े हुए डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब जो चीज ऑर्डर में है अब वो डिस हो चुकी है, ऑर्डर बिगड़ गया हुआ है इसका, ठीक है। अब उसके कई कारण हो सकते हैं और इससे जुड़ी कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है, कई डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल के लिए फोबिया है, ओसीडी है, अब ये बताऊंगा आपको क्या होता है ये। देखो जैसे पहले हम जल्दी से देख लेते हैं, पहले भी देखा था एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, बोल रहे एंजाइटी डिसऑर्डर इज अ टाइप ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन। क्या है जी? मेंटल हेल्थ कंडीशन है, दिमागी बीमारी है। जितनी भी बातें पढ़नी ना, फोबिया, ओसीडी, जीएडी, ठीक है, वो सब सारी की सारी मेंटल कंडीशन ही है, मेंटल प्रॉब्लम ही है, ठीक है। चलो जी, इफ यू हैव एन एंजाइटी डिसऑर्डर यू मे रिस्पॉन्ड टू सर्टन थिंग्स एंड सिचुएशंस विद फियर एंड ड्रेड। डर होगा आपके दिमाग में, एक चिंता होगी, ठीक है, अगर आपको किस चीज को लेके एंजाइटी है। यू मे ऑल्सो एक्सपीरियंस फिजिकल साइन ऑफ एंजाइटी सच एज पाउंडिंग हर्ट एंड स्वेटिंग। फॉर ये सिंपल बात है, जब हमें एंजाइटी होती है, किसी चीज का होने वाली चीज से डर लग रहा होता है, तो हमें डिफरेंट फिजिकल आपको तो सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। बॉडी शिवर करेगी, स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, मुंह लाल हो सकता है, टांगे कांप सकती हैं, हाथ कांप सकते हैं, मुंह सूख जाएगा, ठीक है। चलिए जी, इट्स नॉर्मल टू हैव सम एंजाइटी। एंजाइटी तो हर बंदे को किसी ना किसी टाइम पे हो ही जाती है, लेकिन कभी कभी ये एंजाइटी परमानेंट करेक्टर लेना शुरू करती है, तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, और वही प्रॉब्लम हमने पढ़नी है। यू मे फील नर्वस, यू हैव टू टैकल ए प्रॉब्लम एट वर्क, गो एन इंटरव्यू, टेक ए रेस्ट, मेक ए प्रॉपर इंपॉर्टेंट डिसीजन, एंड एंजाइटी कैन इवन बी बेनिफिशियल। फॉर एग्जाम्पल, एंजाइटी हेल्प अस नोटिस डेंजरस सिचुएशन, फोकस इज आर अटेंशन, नहीं है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। चलो भाई, चलो, एंजाइटी इंटरफेयर्स विद योर एबिलिटी टू फंक्शन। नॉर्मल बात है, एंजाइटी अगर आप होगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एंजाइटी, आपको पेपर आता भी है, भूल जाएगा, ठीक है जी, एंजाइटी है जी, डांस बड़ा अच्छा आता था, स्टेज पे गया बेचारा, डांस ही नहीं हुआ इससे, ठीक है। चलो जी, यू कांट कंट्रोल योर रिस्पॉन्सेज टू सिचुएशंस, यू ऑफन ओवर रिएक्ट व्हेन समथिंग ट्रिगर्स योर इमोशंस। एंजाइटी डिसऑर्डर कैन मेक डिफिकल्ट टू गेट थ्रू द डे। फॉर्चुनेटली देर आर सेवरल इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर। वो ट्रीटमेंट हम देखेंगे क्या है, ये कुछ टॉपिक है जो आपके मेंशन भी किए गए हैं, ठीक है जी, जैसे कि जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, फोबियाज, ये वैसे आपके पेपर में नहीं है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी जो लिखा हुआ था, एंड ओसीडी, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। चलो जी, तो पहला हमने पढ़ना ही हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। पहले तो नाम समझना, ऑब्सेसिव मतलब ऑब्सेशन, समटाइम्स ऑब्सेशन हो जाती है ना हमें किसी चीज की, ठीक है जी, ना चाह के भी वो थॉट्स हमारे दिमाग में आए जा रहे हैं, ठीक है जी, और आप देखेंगे ऐसे ना चाह के भी कुछ अगर थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं, हमें क्या है, कुछ कंपल्शंस में आ जाएंगे। कंपल्शन मतलब कुछ ऐसा करना स्टार्ट करेंगे कि जब तक वो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होनी है, ये नॉर्मल बात है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, बाद में देखते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, आप देखेंगे ये डिसऑर्डर में तब्दील हो जाएगा, डिसऑर्डर में
तब्दील हो जाएगा किस तरीके से, अभी हम देखते हैं। देखो क्या बोलता है, ओसीडी इज ए सिवियर एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर। भाई एंजाइटी है, सारी की सारी मेंटल प्रॉब्लम्स है, ये याद रखना, फिजिकल प्रॉब्लम कोई नहीं है, ये सारी की सारी मेंटल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस मेंटल डिसऑर्डर एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट डिस्टर्बिंग अनडिजायरेबल ऑब्सेसिव व्यूज फ्रीक्वेंटली फॉलोड बाय रेपिटेटिव कंपल्सिव इंपल्सेस। मतलब ये है, उसके दिमाग में बोल रहे कुछ ऑब्सेशंस बैठ जाएंगी, उस ऑब्सेशन बैठने की वजह से वो उल्टे सीधे काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और वो जो ऑब्सेशन उसके दिमाग एक्चुअल में होना भी नहीं है वो, लेकिन फिर भी ये उल्टे काम करना स्टार्ट करेगा। एक बेसिक एग्जांपल आपको बताता हूं, आपको पता नहीं, शायद पता होगा नहीं होगा, कई लोग आपने शायद में भी देखे होंगे, वो हर एक एक मिनट में हाथ धोते हैं, शायद में भी आपने देखा होगा, कई 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 ऐसे देखे, उनको ये उनके दिमाग में ये ऑब्सेशन बैठ गया, शायद शायद मेरे हाथ गंदे हैं, कीटाणु है मेरे हाथों में, और हाथ भी धोएगा कोई बंदे, एक एक मिनट तक हाथ ही धोता रहे, मेरी बात समझ रहे, इसको बोलते वहम, वहम पड़ गया इसको, ये वहम ही है ये, ठीक है जी। ओसीडी एक तरीके का वहम ही है, ठीक है, ये होगा इनका, ठीक है। इसके बारे में और कई सारे तरीके के एंजाइटी आपके डिसऑर्डर्स होंगे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होगी, एक मैंने आपको बता दिया। कई बंदे होते हैं वो बड़े ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं अगर चीजें इधर उधर पड़ी होंगी ना, ऑब्सेशन हो गया तो हर चीजें सच चाहिए होती है उनको, ठीक है जी। कई बंदे नहाते ही रहते हैं, वो क्या है, ये प्रॉब्लम दिमागी तो प्रॉब्लम है ना, है कि नहीं है। चले जी, ठीक है, क्या बोल रहा है, ओसीडी प्रेजेंट इटसेल्फ इन मैनी अपीयरेंसेस, अलग अलग तरीके से दिखाई पड़ता है। People are often surprised to learn that it goes far beyond the common perception of excessive. देखो बोलता जो excessive है ना, excessive से भी far beyond ये problem जा सकती है। Hand washing or repetitive checking of light switches are example of this disorder. आप समझे, आप obsession, देखो obsession तो आप समझेंगे, वैसे समझने की उसको कोई जरूरत नहीं, obsessed हो जाता बंदा। Obsessed का मतलब दिमाग में कुछ बात चले जा रही है, ठीक है जी। चलो जी, ऑब्सेशंस आर थॉट्स इमेजेस आइडियाज दैट वोंट गो अवे, आपके दिमाग से जाएंगे ही नहीं, आर अनवांटेड एंड एक्सट्रीमली डिस्ट्रेसिंग और वरिंग, ठीक है जी। चलो जी, बोल रहा है कुछ एग्जांपल्स की अगर आप बात कर ले तो बोलता है, व्हाट इफ आई बिकेम इन्फेक्टेड विद अ डेडली डिजीज, और व्हाट इफ आई हर्ट समवन। मतलब ये कुछ ऑब्सेशंस हैं जो बंदे के दिमाग में आ जाते हैं। कुछ कॉमन अगर आप सिम्टम्स देखेंगे ऑब्सेशंस के, तो ये देखें आप, डिस्ट्रेसिंग वायलेंट थॉट्स इमेजेस अ नीड टू हैव एवरीथिंग इन सर्टेन ऑर्डर्स फियर ऑफ जर्म्स, ठीक है, जो हमने बात करनी। एक बंदा तो ऐसा देखा मैंने, उसने ब्रश करना है, इतनी टूथपेस्ट लगा लेनी है उसने और उससे पूरा मुंह भर लेना है अपना, और कोई पता नहीं एक घंटा ब्रश ही करता रहे, शायद उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि मेरा मुंह जर्म्स है, साफ नहीं हो रहा, ठीक है। चलो जी, वैसे ये ऑब्सेशंस डे टू डे लाइफ में सभी के होती हैं, ये नॉर्मल बात है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम बार बार अननेसेसरी करते रह रहे हैं उसको, ठीक है जी, और हमारा माइंड कंट्रोल नहीं है हमारा उस चीज पे, लेकिन समटाइम्स ये ज्यादा ही आगे चले जाए, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, फिर डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलो जी, कंपल्शंस क्या, कंपल्शंस का मतलब ऑब्सेसिव हो गया, कंपल्शंस का मतलब यू आर कंपेल्ड टू डू, आप बार बार उस चीज को करेंगे, क्यों करोगे, क्योंकि ऑब्सेस्ड हो गया दिमाग, ठीक है। आर बिहेवियर दैट हैव टू बी डन ओवर एंड ओवर अगेन टू रिलीव एंजाइटी, कंपल्शंस आर ऑफन रिलेटेड टू ऑब्सेशंस। For example, if you are obsessed with being contaminated, you might feel compelled to wash your hands repeatedly. मतलब ये, अगर तुम्हारे दिमाग में ये obsession है कि आपके हाथ गंदे हैं और आपको infections हो सकती हैं, ठीक है, तो compulsion क्या हो जाएगी, compulsion आप बार बार हाथ धोएंगे, ठीक है। However, this is not always the case. ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन लगेगा। Some common compulsions, ठीक है जी, काउंटिंग थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, एक्सेसिव वॉशिंग और क्लीनिंग, ऑर्डरिंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर सिमेट्रिकल वे, ठीक है जी,
चलो जी, रिपीटेड चेकिंग मैं बताता हूँ एक बात। मैडम होती थी हमारी इधर, एक सोनाक्षी मैम, सोनाक्षी मैम भी देख रही होंगी। सोनाक्षी मैम को भी ओसीडी था। क्या था, सोनाक्षी मैम ने किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। सच, सोनाक्षी मैम को लगता है इस पे जर्म्स है, ठीक है जी। हाथ उन्होंने धोने बार बार, ठीक है, दरवाजा खोलना उन्होंने ऐसे, ठीक है जी। अब जैसे कोविड के टाइम पे भी हो रहा था, कंपल्शन आ गई थी कि नहीं, क्या कर रहे बार बार, हैंड वॉश कर रहे, सैनिटाइज कर रहे, दरवाजा भी अपना ऐसे खोल नहीं रहे, पांव से खोल रहे, एक कोनी से खोल रहे। तो ये क्या है, ओसीडी की निशानियां है, ठीक है। चलो जी, ये हो गया। कॉजेस वेरी इंपॉर्टेंट। ओसीडी आपको पता लग गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। भाई डिसऑर्डर तो है ही है, क्यों है, क्योंकि ऑब्सेशंस है, और ऑब्सेशंस के चलते ये बंदा कंपेल्ड है कि किसी सर्टेन काम को बार बार करे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके दिमाग से वो थॉट जा ही नहीं रहे, ठीक है जी। चलो जी, अगला, द कॉज ऑफ ओसीडी आर नॉट वेल नोन। देखो एक्चुअल अगर कॉज देखा जाए ना, तो अभी तक नहीं पता लग रहा है कि एक्चुअल कॉज क्या है, ठीक है जी। बट फिर भी अगर आप देखेंगे तो बोल रहा कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स। सिंपल सा मतलब ये है कि जीन्स ट्रांसफर करते हैं। वही बोल रहा है कि अगर किसी के पेरेंट्स को हो कुछ तरीके के सर्टन कंपल्शंस, मे बी इनके बच्चे में भी हो जाए, ठीक है जी। चलो जी, बोल रहे हैं एबनॉर्मल न्यूट्रल सर्कट्स। अच्छा, ये वो नहीं है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स ये है कि हमारी शरीर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, वो जेनेटिकल आ जाएगा, समझे, शरीर में प्रॉब्लम। आप देखेंगे हमारे दिमाग में जो सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स, उन सेल्स का काम क्या होता है, वो पूरे के पूरे सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, सही को सही बताते हैं, गलत को गलत बताते हैं। जब ये दिमाग के वो न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, ये बिगड़ जाए ना, तब सही गलत का पता नहीं लगता इसको, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा पागल है, वो रोड पे घूमता है, वो सर्दी में नंगे ही पांव घूम रहा है, नाली का पानी पिए जा रहा है, सड़ा हुआ खाना खाई जा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। देखने वाला अगला बंदा बोलेगा, यार ये क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा देख के अजीब लगेगा, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उसका दिमाग क्या है, बिगड़ गया है, एबनॉर्मल न्यूरल सर्कट जो है उसके ब्रेन में, ठीक है जी। बोल रहा है ये ओसीडी के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हैं, ठीक है जी। सर्टन पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन may have difficulty inhabiting and turning off obsessive thoughts and impulses. ये आपको एक न्यूरोन का नाम याद रखना है, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन समझ लें, एक ऐसी आइटम है आपके दिमाग में फिट हुई। अगर ये सेरोटोनिन कम हो जाएगा ना, आपका दिमाग बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा मतलब कुछ समझ नहीं रहेगी, होश आवाज नहीं रहेगी, ठीक है। जो बंदे पागल हो जाते हैं ना, साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है ना, उनमें इसी चीज की कमी हो जाती है, सेरोटोनिन, ठीक है जी। सेरोटोनिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है जी। या फिर बोल रहा है कुछ अदर न्यूरोट्रांसमीटर एबनॉर्मलिटीज उनको हो सकती है, ठीक है जी। न्यूरॉन्स रिलेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है, दिमाग के। चलो जी, अगला है फैमिली हिस्ट्री, वही जो हमने पहली वाली पॉइंट बात की, ठीक है। चलो जी, देयर इज अबाउट 25% चांसेस दैट अनदर फर्स्ट डिग्री फैमिली मेंबर विल हैव इट। अगर तो पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम ऐसी है, आप ये यूजुअल बात है, बड़ी सारी ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी और ऐसी ही मेंटली प्रॉब्लम्स भी आगे बच्चों को देखने को मिल जाएगी, अगर उसके पेरेंट्स इस बात से इन्फेक्टेड है, ठीक है जी। चलो ठीक है, कुछ नहीं हो जाता, जेनेटिक्स वही बात है। बोल रहा है एक सिंगल ओसीडी जीन, ठीक है जी, has not been identified, may be related to particular group of genes, ठीक है। बोल रहा है आप देखेंगे एक सिंगल जीन भी, माँ और बाप दोनों के जीन्स ट्रांसफर होते हैं, सिंगल जीन भी इस केपेबल है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आगे ट्रांसफर हो जाए। स्ट्रेस, जो कि बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी। इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहला तो बायोलॉजिकल फैक्टर, दिमागी उसका कोई नुकसान होगा, दूसरा स्ट्रेस। स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस से चलते आप देखोगे कि इंसान में कई तरीके की प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाएंगी, फिजिकल भी हो जाती है, पहले मेंटली होंगी देन बाद में फिजिकली होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अनएम्प्लॉयमेंट,
relationship difficulties, problems at schools, illness, childbirth can be triggers, symptoms of OCD या परिभाषा. मैं आपको बताता हूँ, हमारे उधर एक लड़का है, लड़का क्या अभी तो आदमी हो गया, वो बहुत ज्यादा पढ़ा, उसका भाई जो है वो DSP लगा, वो किसी कारण की वजह से नहीं लग पाया, अब होगा उसको OCD. क्या होगा OCD? अब वो बेचारा पागल हो गया, हुए पागल हो गया, घूमता रहता है उधर गली गली में, कभी कूड़ा उठा रहा है, कभी प्लास्टिक उठा रहा है, कुछ कुछ मतलब वो उल्टे सीधे काम करे जा रहे हैं. वही बोल रहा है जब स्ट्रेस जो है, वही कभी कभी मेरे भी घर वाले डर जाते हैं, रहने दे तू मत इतना पढ़. चलो जी, तो स्ट्रेस अगर होगा तो आप कह सकते हैं कि ये दिमागी प्रॉब्लम आपको ये हो सकती है, OCD हो सकती है, कंपल्शंस हो सकती है. तो स्ट्रेस भी अपना मेंटेन करके रखें. टाइप्स, ठीक है, टाइप्स का मतलब है कि किस किस तरीके की OCD ये प्रॉब्लम, ये कंपल्शन जो किया जा रहा है ये हो सकता है. ठीक है, अब इसमें कुछ ज्यादा हमें तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर डिफरेंट पीपल डिफरेंट तरीके के ऑब्सेशंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ठीक है जी, अब अगर कुछ कॉमन ऑब्सेशंस अगर आप देखेंगे तो वो है क्लीनलीनेस, फेयर ऑफ कंटेमिनेशन, इन्फेक्ट हो जाने का डर, जिस वजह से बार बार हाथ धो रहा है या फिर नहा रहा है. ठीक है जी, चलो जी, नीड फॉर ऑर्डर, सिमेट्री, परफेक्शन, हर चीज परफेक्ट प्लेस पे होनी चाहिए. जैसे हमारी मम्मी को होता है थोड़ा थोड़ा OCD, नहीं हो तो तुम्हें तो नहीं पता, ले लड़कों को बड़ी मार पड़ती है इस चक्कर में. चलो जी, फॉरबिडन थॉट्स, ठीक. आगे ट्रीटमेंट, देखो ट्रीटमेंट इसका दो तरीके के हो सकते, ये सारे के सारे मेंटल प्रॉब्लम्स जितने भी हैं ट्रीटमेंट दो ही होने, दो ही ट्रीटमेंट होने, या तो मेडिकेशंस, भाई इसको दवाई देगी जाएगी, और दवाई के साथ साथ में आप देखेंगे साइकोथेरेपी. साइकोथेरेपी सिंपल सा मतलब ये है कि जो बंदे का दिमाग खराब है इसका, इसके साथ बातचीत की जाती है. फॉर एग्जाम्पल इसको स्ट्रेस है ना, तो एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि इसका स्ट्रेस क्या हो जाए, कम हो जाए. ठीक है जी, कम हो जाए. अब फॉर एग्जांपल के लिए मान लो जी किसी की नौकरी नहीं लग रही, इस बेचारे को स्ट्रेस है, तो डॉक्टर इसको समझाएगा या घर वाले ही इसको समझाएंगे कि भाई चल ठीक है, हर चीज नौकरी भी नहीं होती, और भी बड़ी सारी फील्ड्स हैं जिसमें बंदा एक्सेल कर सकता है. ठीक है, अब जैसे कई मूवीज भी आपने देखी होंगी, एक फिल्म है शिशोरे, ठीक है जी, छिछोरे देखिए आपने, उसमें वो बच्चा जो है सुसाइड ही कर लेता है, बिकॉज क्यों वो सिलेक्ट नहीं हो पाता है IIT में. ठीक है, तो वो इसी की हालत आप बोल सकते हैं. चलो जी, ट्रीटमेंट बोल रहा है इसके लिए, मेडिकेशंस भी हो सकती हैं और साइकोथेरेपी. साइकोथेरेपी याद रखना, ये बातचीत को बोला जाता है. आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, कई सारी मूवीज में भी ये दिखाया जाता है. ठीक है, एक अल्लू अर्जुन की मूवी भी है, पता नहीं क्या सोल्जर है कौन सी है वो, उसमें उसको बॉर्डर पे जाना होता है, लेकिन उसको डॉक्टर जो है वो लिखता है उसका दिमाग थोड़ा सा खराब पड़ा, गुस्से वाला साइको बंदा दिखाया हुआ है, वो जाता है उससे बातचीत करता है, इसका गुस्सा ठंडे कराने की कोशिश करता है, तो वही है. या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. मेडिकेशन में देखो, कुछ मेडिकेशन लिखी है आपके काम की तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है जी, ये डॉक्टर्स के काम की है. ठीक, लेकिन आप इतनी सी बात समझे, ऐसी मेडिकेशन जो कि इंपैक्ट करे सेरोटोनिन को, सेरोटोनिन कम है, अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो इसका दिमाग कहीं सेट आए थोड़ा सा. ठीक है, तो ऐसे मेडिकेशंस जो सेरोटोनिन को, न्यूरॉन्स को बढ़ाएगा, जो उसको अफेक्ट करेगा, ये लाभदायक हो सकते हैं, बेनिफिशियल हो सकते हैं OCD को ट्रीट करने में. जैसे कि यहाँ पे बताया जी प्रोजैक, ठीक है, चलो जी, फ्लुओक्साइन, पैक्सिल है, पेरोक्साइन, जोलॉफ्ट, ये कुछ दवाइयों के नाम है. ठीक है जी, ये क्योंकि मैंने डायरेक्ट उधर से निकाला है डॉक्टरों की साइड से, तो इसलिए लगा दिए हैं. ठीक है, आपके काम के नहीं है वैसे ये, आपको नहीं ये याद करना. ठीक है, आपको वो सेरोटोनिन याद रखना है. ठीक है, इसकी इम्बैलेंस की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. अगला है हमारे पास PTSD. चलो जी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है. पोस्ट का मतलब बाद, ट्रॉमा, स्ट्रेस डिसऑर्डर. देखो, कभी कभी हमारे जिंदगी में ना एक ऐसा ट्रॉमा जनरेट हो जाता है, कोई ऐसा इवेंट जनरेट हो जाता है जिससे हमारी दिमागी हालत खराब हो जाती है.
फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो एक लड़की है, उस लड़की की शादी हुई, उसके घर में एक बेबी हुआ, उसकी मौत हो गई। आपने देखा ये पागल हो जाएगी, औरत नहीं हो जाएगी। समटाइम्स ऑफन ये देखा जाता है को मतलब पागल हो जाए, बच्चों से खेलती वो छोड़ गुड्डों से खेल रही है, नॉर्मल बात है। ठीक है जी, एक छोटा बच्चा, इसके पेरेंट्स इसको बड़ा ज्यादा मारते हैं, तो आप देखेंगे ट्रॉमा इसके दिमाग में बैठ जाएगा, तारे जमीन पर उसके दिमाग पर ट्रॉमा बैठा हुआ है। वो सभी लोगों को ऐसा ही समझ रहा है, वो किसी से बात नहीं कर रहा, क्यों? ट्रॉमेटिक, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हो गया इसको। ठीक है जी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो जी कोई लड़की रेप विक्टिम है, जिसने वो चीज एक्सपीरियंस की हुई या फिर देखा हुआ है, दोनों में से एक चीज। फॉर एग्जाम्पल बचपन की तुम्हें बात बताता हूं मैं, तुमने देखी होंगी फिल्में, फिल्मों में तुमने वैन आती है, इसका दरवाजा खुलता है और बंदे को किडनैप कर लेते हैं, याद है? वैन पहले होती ना ऐसे दरवाजा खुलने वाली, ऐसे स्लाइडिंग डोर। मेरे को भी यार मैं डर जाता था, अगर मैंने वो वैन देखी तो मैं उधर से भाग जाऊंगा कि हाँ अभी उठा के ना ले जाए, मेरी बात समझ रहे हो? कभी कभी फिल्में देखी हो, वो बड़े गुंडे लोग हैं ना जो हेलीकॉप्टर में आते हैं, अमरेशपुरी टाइप, हमारे उधर नगरोटा में आर्मी एरिया सारा, वो हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं उधर। एक दिन हेलीकॉप्टर उड़ा है, मैं भागता फिर तेज तेज भाग रहा हूं। ये ट्रॉमा देखा या एक्सपीरियंस किया जिस बंदे ने, उसके दिमाग में डर बैठ जाता है, ठीक है, और फिर वो डर उसको आने वाले टाइम तक, कई टाइम तक सता सकता है। ठीक है, वो ट्रॉमा कैसा भी हो सकता है, खुद पे भी बीती हो सकती है या किसी और के साथ भी बीती हो सकती है, और उसको हमने विटनेस किया, उसको हमने विटनेस किया। फॉर एग्जाम्पल आप रोड पे जा रहे थे, आपने कार एक्सीडेंट देख लिया बड़ा जबरदस्त, जिसमें ऑन स्पॉट लोगों की मौत हो गई या बस ठुक गई, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या बैठ जाएगा, एक डर बैठ जाएगा। उस डर को ही बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है जी, जैसे मैं कभी कभी जाता हूं ना तो हवाई जहाज से, तो मेरे को अंदर से डर लग रहा होता है, ठीक है जी, क्यों? वो क्रैश की खबर सुनी होती है, हाँ यार क्रैश ही ना हो जाए कहीं, ऐसा लग रहा होता है। तो वो ट्रॉमा हमने देखा हो या एक्सपीरियंस किया हो, उस बेसिस पे ऐसा स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। देखो जी क्या है, ये डिसऑर्डर है दैट डेवलप्स इन सम पीपल हु हैव एक्सपीरियंस्ड अ शॉकिंग स्केरी डेंजरस इवेंट। जिन्होंने एक्सपीरियंस किया या जिन्होंने सिर्फ देखा भी है, उनमें ये डेवलप हो जाएगा डिसऑर्डर। इट इज नेचुरल टू फील अफ्रेड ड्यूरिंग एंड आफ्टर ट्रॉमेटिक सिचुएशन। ट्रॉमा जब हो रहा है वो तो नेचुरल बात है, ठीक है, फियर इज पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स विच हेल्प टू अवॉइड रिस्पॉन्ड पोटेंशियल डेंजर, वो तो ठीक है, फेयर होना जरूरी है, बट पीपल में एक्सपीरियंस अ रेंज ऑफ रिएक्शन इवन आफ्टर ट्रॉमा एंड मोस्ट पीपल रिकवर फ्रॉम इनिशियल सिम्टम्स ओवर टाइम। दोज हु कॉन्टिन्यू टू एक्सपीरियंस प्रॉब्लम मे बी डायग्नोस्ड विद PTSD। देखो क्या बोलता है, यूजुअल सभी में जब ट्रॉमा कोई चल रहा है, कोई इवेंट चल रहा है, कोई स्केरी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, तब तो डर लगेगा ही लगेगा। लेकिन बोला अगर ये विद टाइम ये सिम्टम्स ठीक भी हो जाते हैं, ये तो नहीं कि बंदा डरता रहेगा, अब अभी तो नहीं मैं डरता हेलीकॉप्टर से, ठीक है, बट ये कि अगर ये कॉन्टिन्यू ही रहे उसके बाद भी, तो वो आप उसको बोल सकते हैं इसको क्या हो चुका है, इसको PTSD हो चुका है, इसको डिसऑर्डर हो चुका है, देन उसको फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। चलो जी, हु गेट्स PTSD? देखो यार सिंपल, दोज हु हैव एक्सपीरियंस और विटनेस अ फिजिकल और सेक्सुअल असॉल्ट अब्यूज एन एक्सीडेंट अ डिसास्टर और अदर सीरियस इवेंट्स। सिंपल, ट्रॉमा कुछ भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट देख लिया, ठीक है जी, अच्छा जी, इसके बाद में फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी के ऊपर किसी ने तेजाब फेंक दिया, तो उसके बाद उसको डर ही लगता रहेगा पूरी जिंदगी, उसको लोगों से डर लगना रहेगा, वो बाहर नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, ठीक है। या फिर सपोज मान लो जी कोई लड़की जा रही है, पीछे से लड़के आए छीन ली इनके गले की वो गोल्ड चेन, अब इस औरत को डर लगेगा, बाहर नहीं जाएगी, क्यों? ट्रॉमा बैठ गया दिमाग में, यार फिर कोई आएगा छीन लेगा मेरा गोल्ड या मेरे को मारेगा, तो ट्रॉमा बैठ जाएगा दिमाग में। तो सिंपल है, पीपल हु हैव PTSD में फील स्ट्रेस्ड
frightened even when they are not in danger as well. एक फिल्म है, अगर आपने देखी होगी, सनी देओल की फिल्म है वो चैंपियन, किसने देखी है? चैंपियन। उसमें राहुल देव शायद विलन दिखाया, वो छोटा सा बच्चा होता है, इसको मार, देखिए पहले, ऐसे में बताऊं तुम्हें समझ आई नहीं देखिए, चलो छोड़ो परे, नहीं देखिए। साइंस एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स देखो सिंपल है यार, साइन एंड सिम्टम क्या है भाई? डर जाएगा खाम खा, एंजाइटी हो जाएगी इसको, ठीक है। चलो जी, सिम्टम्स यूजुअली बिगिन विद इन 3 months ऑफ द ट्रॉमेटिक इवेंट, बोल रहा 3 महीने के बीच बीच में आप देखेंगे यूजुअल ये आपको डिसऑर्डर होना शुरू हो जाएगा किसी भी इवेंट के, बट दे समटाइम्स एमर्ज लेटर, कभी कभी तो ये उसके बाद भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। टू मीट क्राइटेरिया फॉर PTSD ए पर्सन मस्ट हैव सिम्टम फॉर लॉन्गर देन 1 month, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो जी, डर तो सभी को लग रहा है, मान लो अगर आज कोई इवेंट हो गया तो उसको डर लगेगा, वो बातें उसको याद आएंगी, बोल रहा अगर 1 महीने तक भी वो बातें याद आई जा रही हैं तो ये मान लिया जाएगा भाई ये बंदा PTSD का शिकार हो चुका है। एंड द सिम्टम्स मस्ट बी सिवियर इनफ टू इंटरफेयर विद द एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ सच एज रिलेशनशिप और वर्क। चलो जी, आफ्टर ए डेंजरस इवेंट इट इज नेचुरल टू हैव सम सिम्टम, फॉर एग्जाम्पल सम पीपल मे फील डिटैच्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस एज दो दे आर ऑब्जर्विंग थिंग्स रादर देन एक्सपीरियंसिंग देम, नॉट इम्पोर्टेंट। ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हु हैज एक्सपीरियंस हेल्पिंग विद, ये कर सकता है आपकी मदद, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ें। क्या सिम्टम्स हैं? देखो मैं आपको बता, जल्दी से हम कर लेते, री एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स, जो आपने उस वक्त एक्सपीरियंस किया था अभी भी ये बंदा उसको री एक्सपीरियंस कर जा रहा है, उसको लग रहा है कि ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है जी। चलो जी, इसमें क्या बातें आएंगी? फ्लैशबैक्स, ठीक है जी, अक्सर आ जाते हैं हमें फ्लैशबैक्स, ठीक है जी। फिजिकल सिम्टम्स सच एज रेसिंग हार्ट और स्वेटिंग, दिल धड़क रहा है जोर जोर से। रेकरिंग मेमोरीज और ड्रीम रिलेटेड टू द इवेंट, मेमोरीज आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, ठीक है जी। डिस्ट्रेसिंग थॉट्स, फिजिकल साइंस ऑफ स्ट्रेस, ठीक है जी। ऐसे थॉट्स और ऐसी फीलिंग्स जो ट्रिगर कर सकती हैं ये सिम्टम्स को, तो री एक्सपीरियंसिंग, कुछ में इसमें पढ़ने की बात नहीं, री एक्सपीरियंस सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है जी। अवॉइडेंस सिम्टम्स, ठीक है, अवॉइडेंस सिम्टम्स मतलब ये है कि जिस बात से रिलेटेड उसको ट्रॉमा हुआ था ये बंदा उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा, अवॉइड करने की, फॉर एग्जांपल रोड में छीन ली ने इसकी गोल्ड चेन, अब ये रोड में ही नहीं जाएगा अकेला, उसको क्या करेगा? अवॉइड करेगा, ठीक है। चलो जी, बोल रहे ऐसी जगहें, ऐसी इवेंट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि रिमाइंडर हैं उसके, उससे अवे रहेगा, उससे क्या रहेगा? अब ये रहेगा, दूर रहेगा, ऐसे थॉट्स को अवॉइड करने की कोशिश करेगा, ठीक है जी। चलो जी, अवॉइडेंस सिम्टम्स में कॉज पीपल टू चेंज देयर रूटीन्स, इसमें रूटीन्स में भी चेंज आ सकती है, ठीक है जी। चलो जी, जैसे कि सम पीपल में अवॉइड ड्राइविंग इन ए कार आफ्टर ए सीरियस कार एक्सीडेंट, सिंपल है, इसका कार एक्सीडेंट हुआ, ट्रॉमा हो गया इसके साथ, अब ट्रॉमा ऐसा दिमाग में बैठा है दोबारा बाइक ही नहीं चला रहा, ठीक है जी। तो वो बोल रहा है ये अवॉइडेंस सिम्टम्स भी जनरेट हो सकते हैं, अब चला ही नहीं रहा तो हम बोल देंगे इस बंदे को PTSD हो गया भाई, ठीक है, क्योंकि इसको अभी भी लग रहा है कि फिर से चलाऊंगा मैं, फिर से गिर जाऊंगा, ठीक है। चलो जी, अगला अराउजल रिएक्टिव, अराउजल मीन्स किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना, ठीक है जी, उतावले हो जाना, रिएक्टिव हो जाना, बहुत ज्यादा रिएक्शन देने शुरू कर देने, ठीक है जी। चलो जी, जैसे कि आप देखेंगे इजिली कॉन्सेंट्रेटिंग डिफिकल्टी, फीलिंग अस्लीप, स्टेइंग अस्लीप, फीलिंग इरिटेबल, हैविंग एंग्री और अग्रेसिव आउटबर्स्ट, ठीक है जी, एंगेजिंग इन रिस्की रेकलेस डिस्ट्रक्शन बिहेवियर। अराउजल सिम्टम्स आर ऑफन कॉन्स्टेंट, दे कैन लीड टू द फीलिंग ऑफ स्ट्रेस, एंगर में इंटरफेयर विद दी पार्ट्स ऑफ। अब आपको पता है इसके बारे में सिंपल क्या क्या रिएक्शन उसके हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो आपके सामने कोई बात कर दे, कुछ बेड़े मार दे उसके गुस्से में आके,
ठीक है जी, चलो रही। बच्चों में भी बोल रहे जी कुछ अगर आप देखेंगे इसके सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे बड़ा सिम्टम अगर आप देखेंगे वेटिंग द बेड, ठीक है, इवन आफ्टर ही हैज लर्न टू यूज द टॉयलेट। जैसे बच्चे आप देखेंगे, कुछ बड़े बच्चे भी 6-6 7-7 साल के ऊपर ही टॉयलेट कर दे रहे हैं, वो एक डर का साइन है। वो बच्चा जो डरेगा वो ऊपर ही करेगा, बताएगा भी नहीं, ना टॉयलेट में वो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है ये हो सकता है, फॉरगेटिंग हाउ टू टॉक और बीइंग अनेबल टू टॉक, बोलते बोलते बात ही भूल जानी, बात नहीं कर पा रहा एक बच्चा, ठीक है जी। एक्टिंग आउट ऑफ स्केरी इवेंट ड्यूरिंग प्ले टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कुछ ऐसा एक्ट प्ले करना जो कि स्केरी है। तारे जमीन पर यही है, आप देखेंगे वो कुछ ऐसी ऐसी बातें लिखता है, उसको जो जो अपने जिंदगी में वो परेशानी देख रहा था, जिससे डर लग रहा था उसको, उसने वो वही चीजें बना दी थी सारी, ठीक है। और उसी किताब को पढ़ के उसको पता लगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक इसकी जिंदगी में चल रहा है, ठीक है जी। बींग अनयूजुअली क्लिंजी विद ए पर्सन हुम ही इज लविंग, अब क्लिंजी मीन्स अटैच्ड। एक बच्चा डर है, अगर उसको डर है, ट्रॉमा है, वो अपनी माँ के साथ ही रहेगा, अकेला नहीं सो पाएगा, मम्मी के साथ ही सोएगा, क्यों, उसको किसी बात का डर है, फियर है, ठीक है। अब जैसे मेरी बहन है, बड़ी होगी हुई है, तभी मम्मी के साथ ही सोएगी, डर लग रहा है उसको, बात इसने भूतों की सुननी है, बात भूत की सुननी है, बाद में इसने डरना है, फिल्म भी देखनी है इसने भूत वाली, उसको बोलता हूँ रहने दे देना, तब देख लेनी है इसने, तब इंटरेस्ट से बातें सुननी, बाद में इसने डर जाना, तो वही वाली बात है, ठीक है जी। अब बोल रहा है जी कैसे ट्रीटमेंट होगा, वेरी सिंपल यार, इसमें क्या है, साइकोथेरेपी या फिर मेडिकेशन से भी हो सकता है, ठीक है जी। चलो जी देखो, बोल रहा है जी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से अगर बात की जाए, सपोर्ट एजुकेशन गाइडेंस टू पीपल पीटीएसडी एंड देयर फैमिलीज, ठीक है जी। चलो जी, बोल रहा है जी इसको टेक प्लेस ऑन वन इन अदर ग्रुप यूजुअली 6-12 weeks तक के ट्रीटमेंट आपका चल सकता है, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं है। साइकोथेरेपी भी हो सकती है, मेडिकेशंस भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम पता लगेगी ना अगर आपको, तो सॉल्यूशन खुद ही पता लगेगा, ठीक है। अब हमें प्रॉब्लम पता, दिमागी प्रॉब्लम है भाई, तो या तो इसके बातचीत करके उसको समझाया जाए भी ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और कभी कभी मेडिकेशंस भी थोड़ी बहुत हम यूज कर सकते हैं पीटीएसडी के लिए। मेडिकेशंस मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कईयों को नींद नहीं आ रही है जी, नींद की दवाई दे दी इसको जी, दिमाग खराब हो गया इसका, चलो जी ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे हम, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे फोबिया, और फोबिया के बाद में GAD, चलो।